जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसे बनाया जाए नॉमिनी? क्या केवल परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है? नॉमिनी और उत्तराधिकारी लीगल एयर के बीच में क्या अंतर होता है? इनसे जुड़ा कानून क्या कहता है? इन सब पर क्लैरिटी लाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के चेयरपर्सन हर्ष रूंगटा अरिया, जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं। इन्होंने नॉमिनेशन पर निकले एक रिसर्च पेपर को बनाने में असिस्ट किया था, साथ ही में अरिया लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आसान और सुधारने के लिए स्टेक होल्डर से बात करती आई है। थैंक यू सो मच मिस्टर रूंगटा, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। सबसे पहली बात, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों से टकराते होंगे जहां आप देखते होंगे कि उन्होंने नॉमिनी नहीं नियुक्त किया, और नॉमिनी जब नियुक्त नहीं होता है तो किस तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है, जरा समझाइए। तो एक आंकड़े से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है। आपने प्रोग्राम के शुरू में फ्रॉड का जिक्र किया कि बाहर के लोग कैसे आप पे फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन खुद आपकी लापरवाही अपने अपनों पर फ्रॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन उन पे कितना बड़ा धक्का दे सकती, इससे एक आंकड़े से साफ हो जाता है कि जो सरकार का इन्वेस्टर प्रमोशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फंड है, उसका इट्स कॉल्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रमोशन फंड, उसमें जो भी डिविडेंड्स नहीं क्लेम हुए, जो भी शेयर्स लावारिस हैं जिनका पता नहीं है, जो 7 साल से अगर वो क्लेम नहीं हुए तो वो सारे शेयर्स भी और वो अनक्लेम डिविडेंड भी वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि उस खातों में जो सरकार चलाती है 50,000 करोड़ रुपए जमा हैं, जो आप हम जैसे जिन्होंने मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, उनकी मेहनत की कमाई जो कि उनके परिवार वालों को जानी चाहिए, उसके बजाय वो जाके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पड़े हुए हैं, वहां पे आप जाके क्लेम कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने खुद ने सर्च किया, मेरे नाम से, मेरी स्पाउस के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, एंड मुझे मिले शेयर्स मेरे पिताजी के नाम से जो कि उन्हें भी नहीं मालूम था। आप भी, मैं आपको भी एनकरेज करता हूँ, हमने तो हमारे क्लाइंट्स के लिए अब एक ये अनिवार्य कर दिया कि उनके लिए और उनके परिवार वालों के नाम से हम चेक करते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इनवेरिएबली कई केसेस में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए के शेयर्स डिविडेंड्स मिलते हैं, तो ये अनक्लेम्ड है, ये सारा पैसा अनक्लेम्ड है क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया। अभी हर्षी ने यूज किया वर्ड लावारिस पैसा है, लेकिन वो लावारिस नहीं है, वो किसी ने उसे निवेश किया था, पर उन्होंने क्या किया, नॉमिनी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की, तो अब वो किसी का नहीं है। और साथ ही में हर्ष सर, आपने कहा कि ये भी एक तरह का फ्रॉड है जो हम अपनों के साथ कर रहे हैं, और आपने कैसे जूझते हुए देखा है परिवारों को, अगर इस तरह हो जाता है तो फैमिली को कितनी दिक्कत आती है, उनके पास पैसा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है इसका। तो एक ये दिक्कत है, आपने अपना एड्रेस अपडेट नहीं करवाया, केवाईसी नहीं करवाया तो पैसे चले, राइट? नॉमिनेशन नहीं करवाया तो नॉमिनेशन का पर्पस क्या? नॉमिनेशन का पर्पस ये करना नहीं है कि ये पैसा किसका है, कौन किसका अधिकार है इस पैसों पे। नॉमिनेशन वेरी सिंपल है, वो बैंक को या म्यूचुअल फंड हाउस को या इंश्योरेंस कंपनी को या जो भी डीमैट अकाउंट चलाती है उस कंपनी को वो निजात दे देता है कि वो नॉमिनी के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई। और नॉमिनी जो है वो होल्ड कर रहा है वो पैसा उत्तराधिकारी के लिए, जो भी एक्चुअल वारिस उसका है। अब कई केसेस में नॉमिनी ही एक्चुअल वारिस होता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो ट्रस्ट में होल्ड कर रहा है। अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अब इंश्योरेंस के अलावा बाकी सब जगह आपको एक कोर्ट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा अगर आपको क्लेम करना है पैसा, वर्सेस अगर आप नॉमिनी हैं तो बहुत ही आसानी से वो पैसा, उसमें भी थोड़ी कागज करनी पड़ती है लेकिन बहुत कम, पर बहुत आसानी से वो पैसा नॉमिनी के पास आ जाता है,
और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट ना हो तो नॉमिनी सभी उत्तराधिकारियों को पैसा दे दे, बिना कोर्ट प्रोसेस के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अनफॉर्चुनेटली बिना कोर्ट प्रोसेस के सॉल्व नहीं होती, बाकी सब जगह बिना कोर्ट प्रोसेस के नॉमिनेशन की प्रक्रिया से आसान हो जाती। आपने अभी अपने प्रोग्राम में अभी जिक्र किया एक लेडी का, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो डीमैट अकाउंट में उनका नॉमिनेशन नहीं था। तो ये जो 2 साल लगे, 1.5-2 साल लगे, दो बिल्कुल लाख रुपए लगे, ये उस सूरत में है जब बिल्कुल कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट है तो कितने साल लगेंगे और कितना पैसा लगेगा ये किसे भी नहीं पता। बिल्कुल। ये बताइए हर्ष सर कि क्या केवल परिवार के लोग ही नॉमिनी हो सकते हैं क्या मेरे निवेश में, यानी ब्लड रिलेशन होगा तो वही व्यक्ति नॉमिनी होगा या किसी को भी बनाया जा सकता है नॉमिनी? नॉमिनी कौन हो सकता है? तो अधिकांश, मतलब इसके रूल्स हैं कई जगह पे और अलग-अलग जगह पे, बिकॉज़ अलग-अलग एक्ट्स के तहत आते हैं। तो जो बैंक्स हैं जिसमें फिक्स डिपॉजिट आ गए, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स आ गए, आपके सेफ सेफ डिपॉजिट के लिए पैसे रखे हैं, आपने कोई सामान बैंक के पास रखा है, फिक्स डिपॉजिट्स आ गए, उसमें नॉमिनी सिर्फ एक हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार होना जरूरी है। जहां तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, अगेन म्यूचुअल फंड्स इनफैक्ट इंडिविजुअल्स के अलावा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी अलाउ करता है नॉमिनी होना, और वो 3 नॉमिनीज आप कर सकते हो, रिश्तेदार होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। डीमैट अकाउंट में भी सिमिलर रूल्स हैं, आप 3 नॉमिनेशंस कर सकते हो, उनका अनुपात कम ज्यादा कर सकते हो। और इंश्योरेंस पॉलिसी में तो मेरे ख्याल से कोई लिमिट नहीं है नॉमिनेशन की, एटलीस्ट एक्ट में तो नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट में तो नहीं है। अगर इन प्रैक्टिस में कोई इंश्योरेंस कंपनी करती हो तो नहीं पता, बट एक्ट में तो कोई लिमिट नहीं है नॉमिनेशन। ये सिर्फ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, उसके प्रावधान ऐसे बोलते हैं कि आपके परिवार वाले ही सिर्फ नॉमिनी हो सकते हैं। बड़ा पुराना एक्ट है, उसमें परिवार का जो डेफिनेशन है उससे जो एक मेल चौविनिस्ट जिसे कहते हैं वो प्रवृत्ति क्लियरली झलकती है, क्योंकि मैरिड शादीशुदा फीमेल की फैमिली का डेफिनेशन वो उसके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है, वो चाहे तो भी अपने माता पिता को नहीं, खुद के माता पिता को फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आता अगर उसके हस्बैंड और बच्चे हैं तो, विच आई थिंक इज अ, और ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, बट वो प्रोविजंस है उसमें। तो बेसिकली नॉमिनी इफेक्टिवली ईपीएफ को छोड़ के, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, बाकी सब जगह आप और किसी को भी बना सकते हैं, अपने दोस्त को, दूर के रिश्तेदार को, किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना चाहिए कि नहीं इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। चलिए, तो इसी से मैं एक सवाल ये निकलता है कि नॉमिनी चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप किसे बनाएं नॉमिनी? आप क्या सलाह देते हैं कि नॉमिनी आप चुन रहे हैं, आप इन बातों का ख्याल रखिए कि कौन हो नॉमिनी? मुझे लगता है सबसे पहला फैक्टर तो होगा विश्वास का, कि आपको वो विश्वास हो कि वो नॉमिनी जो है वो आपका केयरटेकर की तरह काम करेगा। सो नॉमिनी आप क्यों बना रहे? बेसिकली नॉमिनी कम्स इनटू प्ले ओनली आपके डेथ के बाद। तो आपके डेथ के बाद जो भी असेट के लिए आप नॉमिनी बना रहे हैं, बैंक अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डीमैट अकाउंट हो, वो क्या चाहते हैं आप, किसके पास जाए, वो पहले नक्की करिए, फिर जिसको आप नक्की कर रहे हैं उसी को नॉमिनी बनाइए। तो ये बैंकों में जरूर दिक्कत होती है कि बैंक में सिर्फ एक नॉमिनी अलाउड, बैंक में मल्टीपल नॉमिनीज आर नॉट अलाउड अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये एक्ट अमेंड हुआ था 1984 में। तो मतलब उस समय, उसमें शायद अगर आप चाहते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं उनमें बराबर बराबर बटे, तो फिर आप उनसे बैठ के बात करिए, विल करिए और 3ों बच्चों में से एक को बनाइए। अगर आप चाहते हैं किसी दोस्त को बनाना, ओके, तो उस दोस्त को क्या आप, बिकॉज आप याद रखिए वो ट्रस्टी है,
ओके, और उसको उत्तराधिकारियों को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जहां तक मूवेबल प्रॉपर्टीज का सवाल है, वो अगर उसको खर्च कर देता है, उसको इनकैश कर देता है, राइट, तो कोर्ट में जाके उससे वो पैसा निकलवाना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। तो ये मुश्किल है, इसलिए जिसके पास जाना है उसी को नॉमिनी बनाइए, या उनमें से किसी एक को नॉमिनी बनाइए, अगर जैसे बैंक अकाउंट में बिकॉज एक से ज्यादा अलाउड नहीं है इसलिए। तो फिर यानी कि नॉमिनी और उत्तराधिकारी लीगल है, ये एक नहीं होते हैं, पर आप कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह के लीगल हैसल से बचने के लिए एक जहां तक रखें उतना अच्छा होगा, लेकिन दोनों का रोल बिल्कुल अलग है और कानून उसे डिफाइन भी करता है। हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन करता है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, वो अपने ट्रस्ट में रखे हुए है उत्तराधिकारी के लिए, रियल वारिस के लिए, जो कि विल के मुताबिक डिसाइड होगा। और अगर किसी ने वसीयत ना लिखी हो तो उस पर्सन के पर्सनल लॉस के बेसिस पे डिसाइड होगा, और वो कोर्ट में प्रूव होगा बेसिकली, अगर डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट में प्रूव होगा। तो वेरी क्लियरली इसको आप सेम रखें तो ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, वो हम बात कर रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपके नॉमिनी आपके जीवन साथी हैं, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, अगर ये कोई नॉमिनी है, तो फिर आपकी डेथ पर वो नॉमिनी ही उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली हो जाता है, ओके बशर्ते कि आपने वसीयत में कुछ चेंज नहीं किया हो। तो अगर आप बट हिंदुस्तान में या कहीं भी, एक्चुअली 99.9% लोग वसीयत लिखते ही नहीं, ओके, तो वसीयत ना लिखी, ना लिखी लिखनी चाहिए। वसीयत ना लिखना एक तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम, तो लिखनी चाहिए, लेकिन ना लिखी तो कम से कम नॉमिनेशन तो करें। तो आपके जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपने तिनका तिनका करके जो घर बनाया है, आपने जो धन निवेश किया इकट्ठा है, किया है, बिल्कुल जो निवेश किया है, वो क्या आप IEPF में जाने देंगे? इज दैट व्हाट यू वांट? मतलब ये इतना मुझे बेतुका लगता है ये सुनकर, कि क्यों लोग अपने ही पैसे को लेकर इतना गैर जिम्मेदाराना होते हैं। हम लोग कई क्लाइंट्स मिलते हैं कि मैंने डिसाइड नहीं किया, ओके, या अगर मुझे माइंड चेंज करना हो तो दोनों ही चीज, नॉमिनेशन आप चेंज कर सकते हैं जितनी बार चाहे, नॉट एडवाइजेबल, बट जितनी बार चाहे आप कर सकते हैं, विल भी जितनी बार चाहे आप चेंज कर सकते हैं। करिए तो सर, जो आज मन में है उसको तो प्लीज रिकॉर्ड पे बिल्कुल, ये लाइए। बात कि डिसाइड कर लेंगे फिर बताएंगे, इस चक्कर में जो है शायद आप अपने पैसों को, अपने निवेश को लावारिस छोड़ देते हैं, और इसके लिए आपको जागते रहना है, नॉमिनी को अपडेट करना है। अभी हर्षदा ने बताया आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, वसीयत भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपने वसीयत की बात की, हर्षदा मुझे ये बताइए कि नॉमिनी, आपने एक पेपर में नॉमिनी का नाम दिया और आपने फिर वसीयत बनाई, तो इन दोनों में ऊपर क्या माना जाएगा? वसीयत में जो वर्ड है वो फाइनल वर्ड होगा, या पेपर में आपने जैसे नॉमिनी बनाया वो फाइनल वर्ड होता है? वसीयत ऑलवेज 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 सुपरसीड्स नॉमिनेशन, ओके इंक्लूडिंग इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी अगर वसीयत में मैंने समझो मेरे एक बच्चे को नॉमिनी बनाया और नौ और सॉरी वसी एक एक बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया वसीयत में, और नॉमिनी दूसरा बच्चा है, तो जो वसीयत में लिखा होगा दैट विल हैव ओके दी अपर हैंड। लेकिन लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को पैसा देके नचीती हो जाएगी। ठीक है, ओके अब उस लेकिन नॉमिनी ने वो अगर पैसा, वसीयत नहीं है तो फिर आपके लिए डबल ट्रबल होगा। सॉरी, अगर आपने कहा कि वसीयत जो है वो फाइनल वर्ड होगा, सबसे ऊपर जो है वसीयत में जो लिखा गया वो माना गया है, लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो फिर जो है डबल ट्रबल होगा, मतलब नॉमिनी है कोई और अगर कोई और आ जाए चैलेंज कर सकता है, यानी तब आपकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। इसीलिए आपने इससे पहले भी कहा कि वसीयत बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल वसीयत बहुत जरूरी है। मतलब लोगों की रीजन हम सुनते हैं कि वसीयत वो क्यों नहीं बनाते हैं, तो मतलब हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मतलब कई लोग, जब पहले हम लोग बात करते थे
तो खास करके गृहणियां होती थी अगर जब सामने होती, अब नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, अब बिल्कुल नहीं। आई थिंक आज के युग में जो गृहिणी भी है वो इनफैक्ट मेल से ज्यादा सजग हो गई है। ये थोड़ा सा जनरलाइजेशन है बट मेरे ख्याल से ट्रू है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप ये वसीयत की बात करोगे तो मैं मरने की बात सोचूंगा तो मैं मर जाऊं। आई मीन लिटरली इसकी वजह, इट इज एन अनप्लेजेंट थिंग टू बिल्कुल, कॉन्टेम्पलेट, एब्सोल्युटली। मतलब और हम लोग वो हाँ बातें तो ही नहीं करना चाहते हैं जिसमें आप बात हो पैसों की। और मुझे लगता है ये बात जो है अपने घर के डाइनिंग टेबल पर लानी ज़रूरी है, पैसों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए।